इकबालगढ़ खाते दर्जीवास में मटकी फोड़ साथे आनंद मनावी जन्माष्टमी पर्व की उजवणी कराई थी। अमीरगढ़ तालुकाना इकबालगढ़ खाते दर्जीवास में जन्माष्टमी पर्व निमित्ते मटकी फोड़ रास गरबा तेमज महाप्रसाद नु आयोजन करायुं हतुं। इकबालगढ़ना दर्जीवास में छेल्ला 5 वर्षथी जन्माष्टमी पर्व की उजवणी कराय छे। दर्जीवास में रहता दरेक जातिना लोको हळी मळीने श्रीकृष्ण भगवान की मूर्ति लावी आरती तेमज पूजा करी रास गरबानी रमझट साथे मटकी फोड़नी मजा माणे छे। भाविको माटे महाप्रसाद नु पण आयोजन कराय छे। આપણે ઇકબાલગઢ માં દરજીવાસ માં અમે આ 5મા વર્ષથી કાનુડુ ધામધૂમથી ઉજવીએ છીએ અને અમારા 3 દિવસ ધામધૂમથી કૃષ્ણ ભગવાનને પૂજા આરતી કરે ભોગ ધરાવીએ છીએ અને જમણવારનું આયોજન કરીએ છીએ। કેવું લાગે છે તમે આ ઉત્સવ જો ઉજવણી કરો છો? આ 5મા વર્ષથી जन्माष्टमी टू ऑल। मैं नंदिनी प्रजापति हूँ बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ तालुका के इकबालगढ़ गांव में हम रहते हैं और हमारे दर्जीवास सोसाइटी में 5 साल से जन्माष्टमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हुआ कर रहे हैं हम सब लोग। और इस दिन हम जन्माष्टमी के दिन हम लोग कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर आते बड़े धूमधाम से बरगुड़े के साथ और किसी एक के घर पे उसका आगमन करवाते हैं और उसी दिन 12 बजे तक हम रात तक बहुत धूमधाम से नाचते गाते एक साथ यूनिटी में और बहुत आनंद उठाते हैं और रात में फिर उसकी पूजा करते हैं। फिर 12 बजे जब कृष्ण जी का जन्म हो जाता है तब हम लोग पटाखे फूटते आरती उनकी सारे साथ मिल के हम आरती करते हैं और फिर उसके अगले दिन दूसरे किसी के घर पे उनका आयोजन होता है किसी और के घर पे बिठाते हैं उसको और फिर उस दिन हम सुबह आरती करते हैं और भोजन सब लोग भोजन समारोह होता है उस दिन और फिर हम सब ऐसे ही आनंद से नाचते गाते और फिर उस दिन मटकी भी हम साथ में ही फोड़ते सब लोग मटकी फोड़ते हैं मटकी फोड़ने का आनंद उठाते हैं और इसी तरह हम लोग बड़े प्रेम से एक साथ मिलकर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं।